जैसा कि आप जानते हैं जियो के जो नेटवर्क प्लान्स हैं वो एयरटेल के कंपैरेटिवली थोड़े कम हैं, तो एयरटेल बेस्ट अपना बेस्ट ट्राई करता है कि जो उसके वैल्यू रहे, जो उसके पैक्स रहे वो है ना कॉम्पिटेटिव रहे, ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, इसको प्ले स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी में ये किया जाता है कि वो अपना रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऐसे ऑपरेट करे कि जितने भी कस्टमर हैं उनको सही टाइम पे सही सर्विस मिली जा सके। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, एयरटेल बेसिकली एडवर्टाइजिंग पे मेन फोकस रखता है अपना, जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करेगा और बाकी सब इवेंट्स में करेगा, टीवी के थ्रू करेगा, सोशल मीडिया के थ्रू करेगा। अब मैं आपको कॉम्पिटिटर्स बताऊंगा एयरटेल के। पहला कॉम्पिटिटर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो स्टेब्लिश हुआ था 2015 में। इसका सीईओ है आकाश अंबानी। जो रिलायंस जियो है वो उसने स्टार्ट ऐसे किया था कि स्टार्टिंग में अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री डेटा, फ्री वॉइस कॉल, फ्री सिम अपने मोबाइल्स और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें ऑफर की थी। बट जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद एयरटेल ने कमबैक किया और अब स्टिल दोनों के जो कस्टमर वॉल्यूम है अप्रोक्स